नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल वर्सेस कनाडा ए, और फाइनली नेपाल के लिए खुशखबरी आई है। ठीक है, आपने कमबैक किया था, इससे पहले आपने ओमान को हराया था, बट अनफॉर्चुनेटली आप कनाडा को नहीं हरा पा रहे थे और ये लंबे समय से चल रहा था। आप T20 वर्ल्ड कप से अगर देखो तो T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में आप बहुत बुरी तरीके से हारते हो, आप आते हो CWC लीग में, वहां पर बहुत बुरी तरीके से आप हारते हो कनाडा से लगातार 2-2 मैच। फिर T20 ट्राई सीरीज में भी अगेंस्ट दी कनाडा आप नहीं जीत पाते हो। ठीक है, T20 ट्राई सीरीज में आप ओमान को हराते हो, बट अगेंस्ट दी कनाडा आपका फिर वही फेलियर और सामने आता है, भले ही आप कितनी भी बेहतर जीत दर्ज कर आए हो ओमान के अगेंस्ट। और इसके बाद जो इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं कनाडा के अगेंस्ट नेपाल की, वहां पर भी नेपाल हारता है, लेकिन इसके बाद जब आप देखोगे पिछले कल के मैच में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला नेपाल के लिहाज से। और बेहतर चीज यहां पर आपको नजर आई कि नेपाल ने जिस तरह से अंडर प्रेशर सिचुएशन में वो कामनेस दिखाई, वो गेम जीत कर आए, बिकॉज आप एक समय पर 12 ओवर में 5 विकेट गवा चुके थे अपने, सब कुछ ऑलमोस्ट जा चुका था, लेकिन इसके बाद जिस तरह सोमपाल कामी बढ़िया साथ देते हैं कुशल भुरतेल का, एंड कुशल भुरतेल वॉज मैग्निफिसेंट, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, 52 रन वो बनाते हैं। हालांकि कुशल भुरतेल भी अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि कैसे रन बनाया जाए, वो तरीका उनको नहीं मिल रहा था, लगातार आउट ऑफ फॉर्म चलते जा रहे थे, बैक टू बैक मैचेस में हम देख रहे थे, टीम से उनको ड्रॉप भी होना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर फाइनली कुशल भुरतेल की वो नौक आती है जो उनको कॉन्फिडेंस देगी और नेपाल को कॉन्फिडेंस देगी ये जीत, जिस तरह से वो कनाडा के अगेंस्ट जीते हैं। बिकॉज इससे पहले आप ठीक है कनाडा ए को हराए हैं आप, लेकिन आपके लिए बेहतर चीज़ है आप एक कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे। अब मैच की बात करते हैं, आप बनाते हो 187 रन, यहाँ पर आप 12 ओवर में 5 विकेट गंवा चुके थे, ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ आपके लिए खत्म हो चुका था, लेकिन फिर वहाँ पर 50 आती है कुशल भुरतेल की, सोमपाल कामी बढ़िया पार्टनरशिप लगाते हैं उनके साथ और आप पहुँचते हो 187। एंड इसके बाद जब बैटिंग को आती है कनाडा ए की टीम, तो वहाँ पर एक समय ऐसा लग रहा था मैच कनाडा जीतेगी, एक समय लग रहा था नेपाल जीतेगी, ऐसे मतलब मैच हो रहा था कि कभी इस पाले में जा रहा है कभी इस पाले में जा रहा है, बट वहाँ पर जब तक नदीम खड़े हुए थे नदीम मार रहे थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी करण किसी की, क्योंकि उन्होंने पहले हाथ तो पंजा खोला, अपने 5 विकेट पूरे किए और साथ में जब नदीम ने उनको छक्का लगाया और वहाँ से लग रहा था क्या वो मैच निकाल कर ले जाएंगे, बिकॉज 5 ओवर का गेम बचा था अभी, अगर आराम से खेलती पूरे एंड के ओवर तक तो इस मैच को कनाडा आराम से जीत रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि उनके पास विकेट नहीं थे। और ये काम आपने बेहतर किया कि आपने रेगुलर ब्रेक थ्रूज पे, रेगुलर इंटरवल्स पे वो ब्रेक थ्रू दिलाए अपनी टीम को वो विकेट्स दिलाए, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर हुई और यही रीज़न था कि आप वहाँ पर बेहतर करते गए। लेकिन इसके बाद वह जैसा मैंने कहा करण केसी की तारीफ करनी पड़ेगी, करण केसी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से विकेट चटकाए, और नदीम का वो विकेट बहुत क्रूशियल था, आप छक्का खाते हो फिर अगले ओवर में आके उनको LBW करते हो और फिर वहां से गेम आपके पक्ष में आ जाता है लगभग पूरा, तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं नेपाल क्या इस विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाता है या फिर नहीं, बाकी आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है नेपाल यहां से बेहतर करेगा।